दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल हमने आपको लाइव दिखाया था, बूढ़ेना पुल पर एक डेड बॉडी को तलाश किया जा रहा था। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया, प्रेमी को पकड़ लिया है, पत्नी को जेल भेज दिया गया है। कल हमने आपको दिखाया था, इसका नाम बंटी है और इसने राकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उसकी पत्नी के कहने से ऐसा किया क्योंकि उसके साथ इसका अवैध संबंध था और इसी वजह से उसका मर्डर किया गया है। डेड बॉडी बूढ़ेना के पास ढूंढी जा रही थी लेकिन वहां नहीं मिली, पलवल में डेड बॉडी मिली है। पूरे मामले का खुलासा एसीपी क्राइम अमन यादव जी करेंगे। आप लोग देख रहे हैं आरोपी आपके सामने हैं, एसीपी साहब खुलासा करने वाले हैं कि क्या वजह थी मर्डर की, कहां से इसको पकड़ा है और कहां से डेड बॉडी बरामद की है। हर चीज़ की जानकारी एसीपी साहब देने वाले हैं, अभी आपको बताते हैं, जुड़ जाइए तब तक। और उसके बाद हम आपको लाइव दिखाएंगे, एसीपी साहब पूरे मामले का खुलासा करने वाले हैं। आरोपी आपके साथ ही होगा, बंटी नाम है इसका, हर चीज की का खुलासा करने वाले हैं एसीपी साहब। सर क्या था पूरा मामला के बता दीजिए। 2 अगस्त को बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर एक शिकायत मिली थी जिसमें गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में FIR नंबर 200 बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था, उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी। जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो DLF है हमारी, CIA DLF की टीम जो थी, उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। इसी संदर्भ में फिर जब अनुसंधान आगे किया गया तो उस मामले के अंदर जो राकेश था, जो गुमशुदा था, उसकी धर्मपत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपने पति की मिलकर के हत्या करवाई थी। जिस संदर्भ में हमने जो उसका मृतक की जो धर्मपत्नी है उसका जो पुरुष मित्र था बंटी, जो यूपी मथुरा का रहने वाला है, उसको दिनांक 17 अगस्त को बुडैना गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से उसका 25 अगस्त तक के लिए। ड्यूरिंग रिमांड उससे जो स्पॉट है जहां पे उसने जो मृतक है उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर फेंक दिया था। तो वो जगह की शिनाख्त की गई और उसकी शिनाख्त के आधार पर ही उस जगह पे नहर में तलाश कराई गई लेकिन डेड बॉडी जो थी वो वहाँ नहीं मिली। उसके बाद आज डेड बॉडी जो है उसकी पलवल के अंदर जो छज्जूपुर जो जगह है जहाँ पे नहर के अंदर, वहाँ पे वो डेड बॉडी जो है आज रिकवर कर ली गई है और पलवल पुलिस अभी उसके अंदर पोस्टमार्टम करवा रही है। जो मृतक है उसकी धर्मपत्नी जो इस हत्या के अंदर शामिल थी उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया। जी, जो आरोपी इसके अंदर बंटी है वो और मृतक दोनों ही थे, उनके साथ कोई तीसरा शामिल नहीं था, लेकिन जो इसकी धर्मपत्नी है मृतक की वो इस साजिश के अंदर शामिल थी। मारने के अंदर जो बंटी युवक है वह अकेला था और उसी ने उसके सर में ईंट मारी थी और डेड बॉडी को वहीं नहर के किनारे मार करके वहीं से फिर नहर में दफन, नहर पे ही शराब पिलाई गई थी। जी, वहीं शराब पिलाई गई थी। तो ये सर कब से आना जाना था, कैसे पहचान हुई, कौन है ये बंटी? जो मृतक है वो DPS स्कूल के अंदर बस कंडक्टर का काम करता था और मृतक की जो पत्नी है वो भी उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का काम करती थी और जो आरोपी है वो उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का ही काम करता था। वहाँ ये दोनों संपर्क में थे, पिछले 3-4 साल से इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो चल रहा था, इसी के चलते उस इनने एक साजिश रच करके जो राकेश है उसकी हत्या की। हाँ, राकेश को इस चीज़ का आभास हो चुका था कि इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध जो है वो सामान्य नहीं है। राकेश की शादी को कितने दिन हुए थे? उसकी शादी को तकरीबन 8-10 साल हो गए। कोई बच्चे? 3 बच्चे हैं उसके।
कितनी उम्र है इसकी, उम्र और पत्नी की उम्र कितनी है? जो आरोपी है इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की, 38 वर्ष की है, और जिसकी जो धर्मपत्नी है वो लगभग 34 साल की। हत्या क्यों करनी पड़ी इन्हें जी? हत्या क्यों करनी पड़ी? क्या उसे भी जब उसको इस मामले के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में जब पता लग गया था, जब उसे शक होना शुरू हो गया था, तो उसके बाद इन दोनों ने, जो उसकी धर्मपत्नी थी और जो आरोपी बंटी है, इन्होंने ये फैसला किया था कि ये बात इससे पहले कि बाहर जाए और इसमें वो हमारे दोनों पक्षों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करे, उससे पहले उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अपने रास्ते से हटा देना ही उचित होगा। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने ये फैसला किया। शादी की प्लानिंग थी इनकी बाद में कोई? नहीं, अभी आज तक शादी की कोई प्लानिंग सामने नहीं है। इसको भी जेल भेजा जाएगा सर आज? जी, अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे है 25 तारीख तक, और अभी जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है, और जो और जो सामान है वो रिकवर करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन में जो भी जरूरत है जो वो पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद इसे जुडिशियल भेजा जाएगा। जी, महिला को जो इसकी मृतक की धर्मपत्नी है उसको अरेस्ट करके कल ही ऑलरेडी जुडिशियल भेज दिया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, एसीपी क्राइम अमन यादव ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा एसीपी साहब ने बताया है। बाकी पूरे मामले का खुलासा कर ही दिया गया है, अभी ये पुलिस रिमांड में रहेगा और उसके बाद इसको जेल भेजा जाएगा। अभी कुछ और खुलासा होना है, सारी बात इसमें लिखी हुई है, और भी कुछ जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। आप लोग देख रहे हैं, खेड़ी कला में रहता था राकेश कुमार नाम का व्यक्ति जिसकी हत्या की गई थी, और ये बंटी जिसको पुलिस ने पकड़ा है ये मथुरा का रहने वाला है, लेकिन ओल्ड फरीदाबाद में चुंगी के पास ये रहता था, और तीनों एक ही स्कूल में काम करते थे, और बंटी का जो महिला है उसके साथ अवैध संबंध बन गया, जिसकी वजह से इन्होंने राकेश कुमार को मौत के घाट उतार दिया, उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन जो वारदात इन्होंने की थी उसकी भनक कभी ना कभी तो पुलिस को लगनी थी, पुलिस को भनक लगी, पुलिस ने इसको पकड़ा और अब ये जेल जाएगा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।